ब्रूस्टर्स लॉ। देखो ये लॉ सिंपल एक चीज कहता है कि आपने कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट को फेंकना है, इंसिडेंट करवाना है, कि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, उसका ये फॉर्मूला है, लिख लिया। स्नेल्स लॉ हमने किया था, स्नेल लॉ क्या कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यहां पर आई कैप पी, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, ये टेन पी है, ये साइन पी बाय साइन आर है। अब टेन पी क्या होता है, साइन पी बाय कॉस पी, साइन पी कैंसल, साइन आर इज इक्वल टू कॉस पी, कॉस पी को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस पी, तो आर किसके इक्वल है, 90 माइनस पी, तो आर प्लस पी का सम क्या आएगा, 90। ठीक, प्रूफ नहीं करना आपने, याद नहीं करना, रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको सिंपल। इसमें मैंने ये बताया इस लॉ से कि अगर आपकी लाइट पी एंगल पर इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, पी ही हो जाएगा, बराबर होते हैं। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और मैंने प्रूव किया कि P और R का सम कितना है, 90। तो अगर P, अगर ये P एंड अगर ये R का सम 90 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे केस में बचा हुआ एंगल भी क्या होगा, 90, क्योंकि टोटल एंगल क्या है, 180, इनका सम अगर 90 तो बचा हुआ 90। तो ये रिजल्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आ सकता है कि अगर आपने लाइट को इंसिडेंट करवाया एट पोलराइजिंग एंगल तो रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड, एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90। ये रिजल्ट है, अगर लाइट रिफ्लेक्शन से कंप्लीटली पोलराइज्ड है तो दोनों में एंगल क्या बनेगा, 90। ये रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आ सकता है।